हाय रूप्रीत, कैसे हाय हेनेल, हो आप? ओके, वेरी नाइस एक्चुअली. अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आने वाले हैं जैन इंटेक में या फिर मे इंटेक, सप्तम्बर इंटेक में, तो वो लोग तो टोरंटो ब्रैम्पटन जाना चाहिए, किचनर जाना चाहिए, कनाडा के वो साइड जाना चाहिए. क्या सिचुएशन है वो सब, आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो आप वो लोग को बताएंगे, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा. ओके, ओके, तो पहला क्वेश्चन कि आप कब आए कनाडा? मैं आई थी अप्रैल. मेरा मेन इंटेक था तो मैं लाइक मिड अप्रैल में आई थी. और कहाँ रहे थे पहले आप? मैं वाटरलू रही थी 15 दिन के लिए. फिर मैं कि नहीं, एक्चुअली तभी भी मैं वाटरलू ही रही थी. तो मैं 4 महीने वाटरलू रही हूँ और फिर अभी मैं किचनर शिफ्ट हो गई हूँ. लाइक अच्छा 1 या 2 महीना हुआ है. अच्छा मतलब आपको आए हुए कितने महीने हुए? ऑलमोस्ट 6.6 महीने हो गए. कौन सी कॉलेज में हो आप? मैं कॉनिस्ट होगा किचनर डाउनटाउन वाला कैंपस जो सबसे छोटा है एक्चुअली, पर अच्छा है. अच्छा, तो आप कितने टाइम से जॉब अप्लाई कर रहे हो? जॉब क्या क्या सीन है? डोंट इवन आस्क प्लीज. यहाँ पे अच्छा, बहुत ज्यादा डिजास्टर है जॉब का, बट क्योंकि इधर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है. देख, मैं किचनर में हूँ, इधर बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट भी अनलिमिटेड है. यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इधर है तो उसमें पता नहीं कितने करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं. आई डोंट नो, इधर चार पांच यूनिवर्सिटी है. कॉनेस्टोगा के 2 कैंपसेस है इधर, वाटरलू में एक, किचनर में. मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स है इधर और इधर बहुत ज्यादा हार्ड है जॉब के लिए. लाइक यू हैव टू हैव रेफरेंस, यू नो, लाइक हाँ, एवरीबॉडी नोज आफ्टर कमिंग टू कैनेडा के चाहिए माई रेफरेंस. तो मैं तो जब से आई तब से अप्लाई कर रही थी. लाइक जिस दिन मैं इधर पहुंची मैंने वॉलमार्ट में शुरू कर दिया था अप्लाई करना. बट अच्छा, डोंट, वॉलमार्ट तक तो हम जाते ही नहीं है भाई. वॉलमार्ट में तो नेक्स्ट लेवल रेफरेंस चलता है. अच्छा तो आई डोंट थिंक सो. लाइक मतलब ऐसा नहीं है, लक पे भी होता है. देख, मैंने लाइक थोड़े पर जनों को देखा भी है कि लग जाती है अचानक से. बट ऐसा नहीं है कि मैंने वो चीज ट्राई नहीं की है, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया था. लाइक रोज रोज 10 10 किलोमीटर चले हम लोग पागल जैसे, मैं और मेरा फ्रेंड. तो हम लोग ने इतना ज्यादा ट्राई किया ना, कुछ नहीं हुआ था. अभी मेरे को 1.5 महीने पहले ही जॉब लगी है. लाइक लिटरली 1.5 महीने पहले. इतना ज्यादा टाइट है इधर. हाँ, तो कितने महीने आपने अप्लाई किया? 4-5 महीने. हाँ, आराम से. और तब एक्सपेंस क्या कर रहे थे एक्सपेंस का? जीआईसी भाई, जीआईसी. GIC भर रहे थे, मतलब GIC में यूज कर रहे थे. तो अभी जो स्टूडेंट आने वाले हैं या मई में आने वाले हैं, तो वो लोग के लिए वो साइड आना चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी की सिचुएशन के हिसाब से, या आगे फ्यूचर की सिचुएशन क्या होगी? फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, वो तो है, लेकिन अभी के बट सिचुएशन के हिसाब से. लाइक देख, मैं देखूं तो मई से खुला हुआ है. मतलब मई से थोड़ी कंडीशन अच्छी है. मई में कुछ ज्यादा था. ये लोग बोलते समर में जॉब ओपनिंग्स होता है तो करके. आई नेवर सीन एनी ओपनिंग. जहाँ पे लिखा होता है वो लोग भी पागल बनाते हैं. मतलब अच्छा, जा जाके पूछते हैं और वो लोग बोलते कि नहीं है, बट उन लोगों ने लिखा हुआ है पता नहीं क्यों. तो बोल तो रहे पहले से ज्यादा कंडीशन सुधरी है, पर आई डोंट नो. अब मैं तो कुछ कर नहीं रही तो मुझे नहीं पता. मेरा तो लग गया है, बट आई हैव टू अप्लाई अगेन बिकॉज मेरा ब्रेक आने वाला है. तो अच्छा, बोल तो रहे कि पहले से ज्यादा कंडीशन खुली है, बट आई डोंट थिंक सो. तो मुझे तो नहीं तो लगता कि लाइक इधर आने जैसा कुछ. ज्यादा मैं तो बोलती हूँ यहाँ पे क्या, पूरे कनाडा में बताओ भाई, इंडिया में रहो शांति. क्या करे, जो आने वाले वो तो आज आने वाले हैं, अभी जनवरी में. वो आने वाले और इट्स ओके, जस्ट बी प्रिपेयर्ड.
लाइक स्ट्रगल वाली लाइफ सोच के आना, ऐशो आराम वाली नहीं, अनलेस तुम्हारे भाई बहन इधर, फिर तो तुम्हारा ही हाँ जीवन। वो तो है। तो एक्सपेंस कैसा है वहां का, एक्सपेंसिव है बिल्डिंग घर या फिर क्या बोलते हैं ग्रोसरी? है एक्चुअली एक्सपेंसिव है। टोरंटो साइड से तो एक्सपेंसिव नहीं है, बट सब लोग कहते हैं उधर अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, किसको पता। लाइक आई डोंट नो, हाँ वो भी है। कोई बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, पर किसी को पता नहीं है। बट वही वहां से एक्सपेंसिव तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो वहां से एक्सपेंसिव है। लाइक मैं अभी कितने लाइक 400 पे कर रही हूँ, 400 फोर पर हंड्रेड एंड मंथ। फिफ्टी सॉरी 450 पर मंथ। ओके, मतलब आप शेयरिंग में हो इसलिए। हाँ लाइक अगर अगर शेयरिंग के बिना हो गए तो कितना होता है सोलो नहीं का? लाइक क्या बोलते हैं, एक्चुअली हमारा ओनर बहुत अच्छा है, तो हमको लकीली अच्छा मिल गया है। बट इट कुड गेट लाइक 700 और 8 और 9 और मे बी 1000, जस्ट अच्छा डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग। लाइक अस किचनर में घर सस्ते हैं, वाटरलू में महंगे हैं, वाटरलू में बिल्डिंग्स ज्यादा है, बट वाटरलू थोड़ा लाइक चहल पहल वाला है। हाँ किचनर इज बहुत मतलब फैमिली वाली जगह है, लाइक छोटी बहुत जगह है। शांत है, कोई कुछ बोलता नहीं है। हम लोग तो घर में रहते हैं तो एकदम शांत होते हैं, रोड मतलब कुछ ज्यादा ही शांति है, पर अच्छा है लाइक पीसफुल है एकदम। बराबर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक? मतलब मेरे को किसी को डराना नहीं है, बट नहीं, ट्रू फैक्ट या बोले, ट्रू फैक्ट। लाइक बहुत एक्सट्रीम लेवल तक के स्ट्रगल्स है। लाइक मैंने कुछ नहीं किया ना भाई, मतलब इंडिया में लाइक कुछ भी नहीं किया था। इधर तो पागलों जैसे बस के पीछे भाग रहे हैं, एक तो सुबह सुबह जी नाश्ता करने का टाइम नहीं है अपने पास, हाथ नहीं में है, ले नहीं लाइक है। चीजें दौड़ना पड़ता है। जो वो मतलब पिक्चरों में जो सीन्स देखे ना, लोग खाने खाने का टाइम नहीं है, और वे ओवर रिएक्ट करती थी कि इनके कितना नाटक करने की क्या जरूरत है, ऐसा तो होता ही नहीं है घर के। वही। बट इट इज ट्रू बाय द वे, मम्मी खिलाती नहीं है खाना, वो तो आती है। खुद का बनाना पड़ता है, लॉन्ड्री करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। सारी चीजें खुद ही करनी पड़ती है भाई। काम पे भी जाना पड़ता है, कितना काम होता है, पूरे कॉलेज जाना होता है, पूरा तो ऐसे निकलता है, ऐसे कुछ समझ ही नहीं आता है। दिन वो एंड तो में है, लगता है दिन कि निकल जाते हैं। एंड में ऐसा लगता है कि हम कर क्या रहे गए बार, तो लाइक बहुत वियर्ड है। बट इफ मतलब लोग मनी को प्रायोरिटाइज करके आ रहे तो तुम कमाओगे, लाइक वो तो इधर फैक्ट्स ही है। लाइक तुम लोग कमाने आए तो तुम लोग कमाने ही वाले हो, बट एक पॉइंट तक होता है ना, फिर बाद में तुम लोग फैमिली याद करते हो, और तुम लोग वहां जहाँ पे रहते हो वहां का खाना याद। मैं तो सूरत से हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ सूरत का खाना याद कर करके। कुछ मैं भी इधर भाई। मिल, ऐसा नहीं है कि इधर कुछ मिलता नहीं है, सब कुछ मिलता है, बट इतना महंगा मिलता है ना कि हम नहीं अफोर्ड ही सोचते नहीं हैं कि कर नहीं पाते, खाना। अब मेरे वही को ना ऐसा लगता है इतने एक शिफ्ट के पैसे डाल दे इसमें, ऐसा होता है कि भाई वही एक घंटा ना। इतनी मेहनत की थी और इसमें कैसे पैसे डाल दे, ऐसा हो जाता घर और शिफ्ट भी पे तो बना मांगना ली। मिली है। हाँ सही बात है भाई, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है, पूछ ही मत। तो उधर क्राइम कैसा है, मतलब गर्ल्स को अकेले बाहर जा सकते हैं रात को कि नहीं जा सकते? देख आस्किंग मी, मैं यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, तो मेरा तो 5 मतलब मेरा 4:30 तक शिफ्ट मैक्सिमम होता है, यूनिवर्सिटी 5 बजे बंद हो जाती हाँ है। मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ती है लाइक रात को कुछ करने की, अच्छा, लोग जाते हैं ऑफकोर्स क्योंकि लोग कमा रहे, इधर आई क्यों रहे, हाँ बहुत लोग लोग जा रहे हैं। जाते हैं, लोग जा रहे हैं भाई। पर लाइक मैंने तो मेरे सामने कुछ नहीं देखा है। देख क्राइम के लिए तो सब जगह ही होता है, हम कोई जगह को कवर ही नहीं कर सकते इधर, अनलिमिटेड क्राइम है मतलब। पर मैंने तो मेरी आंखों के सामने नहीं देखा तो मैं क्या बोलूं, मतलब
ऐसा हाँ मैंने कुछ नहीं देखा. यू हैव टू बी सेफ ना, तो मतलब तुम अपनी लोकेशंस दूसरे लोगों को सेंड करके रखो, जस्ट खुद का खुद प्रायोरिटाइज करना चाहिए. लाइक वही पेपर स्प्रे लेके घूमो, लाइक बराबर जो जितना तुमसे बन सके ना, तुम अपने साइड से सेफ रहो. बस सेफ कोई रहो बराबर। खाली खाली जगह मत जाओ. लाइक तुमको पता है ग्रुप्स में घूमो, हम तो हमेशा ग्रुप में घूमते, चाहे कहीं भी जाए, लाइक कहीं भी ग्रुप्स में घूमो. इतना तो इधर दोस्त कितने बनते हैं अनलिमिटेड आके, वो सब तो अलग ही है. मतलब तो आई डोंट थिंक सो, लाइक नॉट रिलेटिवली मोर. आई हैव सीन वीडियोज ऑफ ब्रैम्पटन टोरेंटो, बट आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा इधर है. किचनर में पर वो कहीं पे भी हो सकता है. देखो, उन्हें तो कोई कुछ भी कहीं पे भी हो सकता हाँ वो है. तो तो है।